दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को। तो फाइनली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2021 के एचएएस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इतने लंबे समय के इंतजार के बाद इस साल ये नोटिफिकेशन आई है। तो जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें कुछ बड़ी बेसिक जो क्वेरीज होगी उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, और खासकर उन लोगों के लिए जो इस साल पहली बारी में अपियर होना चाहते हैं एचपीएस के एग्जाम के लिए। तो इसमें एग्जाम की क्या स्टेजेस रहेगी और किन बातों को आपने ध्यान रखना है, तो वो मैं सारा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो इस साल जो नोटिफिकेशन निकली है इसके अंदर 29 पोस्ट पोस्ट है। अब जो ये 29 पोस्ट है, ये सारी की सारी पोस्ट है एचएएस की नहीं होती, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कंबाइंड कंपिटेटिव एग्जामिनेशन 2021। तो कंबाइंड इसलिए बोला गया इसको क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एक कंबाइंड टेस्ट होगा एचएएस के लिए, एचपीएस के लिए, रेवेन्यू के लिए, और एक दो और भी इसके अंदर पोस्ट आती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एचएएस के लिए ही होगा और बोलते इसको एचएएस है, बट इसके अंदर सारी कंबाइंड सर्विसेज इसमें आती है। और 2021 इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि एक साल हमारा कमीशन डिले चला हुआ है, पीछे चला हुआ है, तो उसी वजह से 2021 वाला होगा। तो जो नेक्स्ट ईयर 2023 में आएगा 2022 वाला होगा। तो इस कंबाइंड एग्जाम के लिए जो आप फॉर्म भरोगे, तो एक ही फॉर्म भरना है आपने, तो इसमें कम से कम चार पांच तरह की इसमें सर्विसेज होगी, तो उसके लिए आपको अलग अलग से फॉर्म नहीं भरना, एक ही फॉर्म भरना है और एक ही एग्जाम होगा। और वो डिपेंड करेगा बाद में आपकी आपने क्या प्रेफरेंसेस भरी है और आपकी मेरिट लिस्ट में कहाँ नाम आ रहा है। अगर आप टॉपर में आओगे तो ऑब्वियसली आप एचपीएस लोगे, उसके बाद आप एचपीएस की तो चलो अभी सीट्स नहीं है, क्या पता आगे ऐड हो जाए, तो एचपीएस के लिए जाओगे आप। और उसके बाद अगर रेवेन्यू में तहसीलदार के लिए जाओगे, फिर वीडियो के लिए जाओगे, और वहाँ पे कुछ चॉइसेस भी होती है। जब आप आगे मेंस के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो अपनी 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 इंटरव्यू में अपनी प्रेफरेंसेस देते हो। तो प्रेफरेंसेस में कई बार आप, अगर आपको लगता है कि आपको तहसीलदार के लिए नहीं अप्लाई करना, तो आपको वीडियो के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, तो वो उस हिसाब से भी आपको अलॉट की जाती है। तो दो बेस रहते हैं, आप एक मेरिट वाला बेस, और दूसरा अगर आपने मेरिट वाले बेस के साथ साथ अपनी चॉइस भरी हुई है, तो उस हिसाब से आपको वो जॉब दी जा पोस्ट दी जाती है। तो इसलिए इसकी ये कंबाइंड एग्जाम है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या पोस्ट है। सबसे पहले है एचपीएस की, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसमें एसटीएम की पोस्ट होती है। तो 7 पोस्ट एसटीएम की है और 3 पोस्ट अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी की है, और शेड्यूल कास्ट की एक है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की एक है, और एससी एक्स सर्विसमैन की एक है, और एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की एक पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 7। उसके बाद आता है हमारा रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट, उसमें तहसीलदार की ए क्लास की जो पोस्ट है, यहाँ पे बड़ी अच्छी पोस्ट निकली है, 14 पोस्ट निकली हुई है। तो जनरल कैटेगरी की 5 है, शेड्यूल कास्ट की एक है, ओबीसी की एक है, ईडब्ल्यूएस की भी है इसमें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक पोस्ट है, अनरिजर्व जो फिजिकली चैलेंज होता है और ये ऑर्थो एंड हैंडीकैप के लिए है, तो एक पोस्ट इनकी है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी 3 पोस्ट यहाँ पे इनके लिए है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन एचपी एक पोस्ट इनके लिए है, अनरिजर्व वार्ड फ्रीडम फाइटर की भी एक पोस्ट है। और उसी तरह से रूरल डेवलपमेंट में क्या आएगा, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो 5 पोस्ट इसकी है। और उसके बाद एक और है डिपार्टमेंट ट्रेजरी अकाउंट एंड लॉटरीज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस, तो इसकी टोटल पोस्ट 3 पोस्ट है। तो अभी ये कंबाइंड कितने के लिए लिया जा रहा है एग्जाम, एक तो पर्सनल डिपार्टमेंट एचपीएस आएगा, रेवेन्यू के अंदर तहसीलदार आएगा, रूरल डेवलपमेंट के अंदर बीडीओ आएगा, ट्रेजरी अकाउंट के अंदर यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिसर आएगा, बट अभी तक एक पोस्ट इसमें नहीं अलॉट की गई अभी तक, वो है एचपीएस हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस। तो फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि जब तक लास्ट डेट होगी फॉर्म को फिलअप करने की, शायद तब तक निकल जाए दोबारा से इसकी पोस्ट। तो ऐसा भी रहता है आगे कि प्रीलिम्स से पहले पहले और भी ऐड की जाती है पोस्ट, तो वहां पे चांसेस मिल जाते हैं कि इसकी सीट्स और बढ़ जाए। अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। तो जो बैचलर है किसी भी, किसी चाहे उनके पास बीए है, बीएससी है, एमबीबीएस है, किसी भी आपकी बैचलर डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इवन फाइनल ईयर जो स्टूडेंट है, कंडीशन ये है कि उनको, जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं पर उनका भी रिजल्ट नहीं आया, तो उनको प्रोविजनली एग्जाम में अलाउ किया जाएगा, और बाद में जब उनका पर्सनल होगा, इंटरव्यू होगा, उस टाइम उनको अपने पूरे डिग्री का डॉक्यूमेंट दिखाना है। और जो एमबीबीएस है
वो भी जिनका फाइनल ईयर चल रहा होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉट कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप बाय द टाइम ऑफ सबमिशन विल बी प्रोविजनली एडमिटेड। जिन्होंने अभी तक अपना इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट किया वो भी जा सकता है प्रोविजनली। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और जिनका भी इंटर्नशिप नहीं हुआ और MBBS जो स्टूडेंट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा रहता है कि एज लिमिट। अब एज को क्या बोला गया कि आपकी जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम है जनरल कैटेगरी में वो है 35। अब इसको कैसे देखना है हमें कि ये बताया गया है कि 1/1/2021 को जो 21 साल का हो चुका है वो अपियर हो सकता है और जो इस डेट को 35 साल का है वो भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक होगा हो सकता है अंडर एज और एक हो सकता है ओवर एज। अगर 2 जनवरी 2000 के दिन और इसके बाद अगर पैदा हो रहा होगा तो वो आएगा अंडर एज में, और जो 1 जनवरी 1987 से पहले बॉर्न हुआ है, जिसका पहले जन्म हुआ है वो आ जाएगा ओवर एज। तो आपने ये देखना है कि आप इस एज ग्रुप के अंदर फॉल करने चाहिए तो आप एलिजिबल हो। या तो आप 21 साल पूरी कर चुके हो उससे ऊपर चले हो, और या तो आपके 35 ईयर्स है अभी तो आप अप्लाई कर सकता है। तो आप बाकी अपनी एज के हिसाब से खुद कैलकुलेट करना। तो जो मैंने अभी आपको ये बताया तो ये आपकी अंडर एज और ये आपकी ओवर एज। उसके बाद है रिलैक्सेशन इन एज। तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, चाहे SC हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो जो फ्रीडम फाइटर थे पहले, जिन्होंने देश की फ्रीडम फाइट में पार्टिसिपेट किया था, उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तक का रिलैक्सेशन मिलता है। उनके लिए सीट भी रिजर्व रहती है और उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो जो फ्रीडम फाइटर के पोते हैं अभी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए, और उनके लिए सीट भी रिजर्व है जो मैंने ऊपर देखी है। तो ये 5 साल का इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। अच्छा, जो दूसरी बात ये कि अगर कोई लोग आउटसाइडर्स है जो बाहर के स्टेट से आना चाहते हैं, तो चाहे अगर वो SC है, ST है, OBC है, उनको हिमाचल में जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, उनको अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो हिमाचल के लोग हैं। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो है 14/7/2022। तो 1 मंथ का टाइम है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो इतने टाइम के अंदर आपको फिलअप करना है। उसके बाद है फी। तो जो जनरल कैटेगरी है उनकी फी है 400 रुपये। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे इंक्लूडिंग जनरल फिजिकली डिसेबल्ड और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं जनरल कैटेगरी वाले, उनसे भी फी ली जाएगी, EWS से भी ली जाएगी, और HPX सर्विसमैन और HP जो एक्स सर्विसमैन है अगर वो पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, अभी तक उनकी जो नॉर्मल रिटायरमेंट से पहले अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली तो उनको फी देनी पड़ेगी। और जिन्होंने अपना पूरा सर्विस कंप्लीट करने के बाद रिटायरमेंट ली है तो उनको फी नहीं देनी, एक सर्विसमैन की बात है। और कैंडिडेट ऑफ अदर कास्ट इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, कैंडिडेट फॉर ऑफ अदर स्टेट्स, जो अदर स्टेट से आते हैं तो उनको भी हम किस में मानते हैं, सभी को जनरल कैटेगरी में, तो उनको 400 रुपये फीस देनी है। और उसके बाद SC ST OBC जो पर्टिकुलरली कहाँ के हैं, हिमाचल के, तो उनकी फी है 100 रुपीज़। और जो लोग एक्स सर्विसमैन है जिनकी कंप्लीट सर्विस करने के बाद अपियर होना चाहते हैं तो उनकी क्या है, उनकी कोई फी नहीं है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। तो 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड पर्सनलिटी टेस्ट। अब जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो एक हिसाब से आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके जो मार्क्स है वो आगे मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे और मेंस के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। और जो पर्सनलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं, उसके भी कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ में मार्क्स जुड़ता है। तो जो प्री का एग्जाम होगा, 2 पेपर है प्रिलिम्स के, पहला पेपर है GS का और दूसरा है CSAT का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 100 क्वेश्चन आएंगे GS में, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स हो गया 200, और CSAT का भी 100 क्वेश्चन,
मार्क का एक और 200 मार्क्स का ये, और जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग है। सी सेट क्वालिफाइंग है, 33% स्कोर करना है। अगर आपका 33% स्कोर ये आ गया तो आप पास है, और जो ये जीएस वाला पेपर है इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे। जैसे पिछले साल 108 के करीब करीब कट ऑफ हुई है, जिनके 200 में से 108 स्कोर आया है वो जाएंगे मेंस के लिए। तो जितनी सीट्स है, एक सीट्स के पीछे 20 लोग जाते हैं मेंस के लिए। अगर 20 सीट्स है तो 400 लोग जाएंगे। तो इस बारी कितनी है, 29 सीट्स है, 400 प्लस 180, तो 580 लोग जाएंगे इस बारी मेंस के लिए। तो सी सेट में क्वालिफाइंग और जीएस की जाएगी कट ऑफ, और जो सिलेबस है वो भी मेंशन कर रखा है, और कभी मैं आपको आगे डिटेल में सिलेबस के ऊपर और बुक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले HPGK की हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पार्ट है, करंट इवेंट्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पंचायती राज, इकोनॉमी, पॉलिटी ना, तो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, तो ये सारा जीएस का कंप्लीट पार्ट है। और इसके अंदर क्या रहता है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है वो रहती है HPGK की, जो कि कम से कम 25 क्वेश्चन के करीब करीब रहती है। उसके बाद जो सी सेट वाला है उसमें कंप्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, और जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक मैथ होगा 10th लेवल तक का वो होगा, और रीजनिंग और इंग्लिश। और उसके बाद फिर जाएगा मेन से, जो यहाँ से क्वालिफाई करेगा, जैसे मैंने बताया जो सी सेट क्वालिफाई कर गया और 108 के करीब करीब जैसे मेरे साथ कट ऑफ गई थी, तो वो जाएगा मेंस के लिए। अब जो मेंस के जो एग्जाम होता है, सबसे पहला पेपर होता है कंपल्सरी पेपर है इंग्लिश, सभी के लिए 100 मार्क्स का है। उसके बाद दूसरा पेपर है हिंदी, 100 मार्क्स का है, और ये क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ 40% स्कोर करना है। और अगर आपकी ये क्वालिफाई हो गया, 40% स्कोर इसमें आ गया, तो समझ लो आपके अगले पेपर की वैल्यू रहेगी। अदरवाइज तो ये चेक हो ना चेक हो एक बराबर की बात है, अगर आप 40% स्कोर यहाँ पे नहीं करते। अब जो तीसरा पेपर होगा ऐसे का, 100 नंबर का हमारा ऐसे आता है, तो दो ऐसे लिखने होते हैं, 50 मार्क्स का एक ऐसे है, तो दो ऐसे होते हैं, आपको दो सेट आते हैं चार चार ऐसे के, तो एक सेट में से आपको एक ऐसे ऑप्ट करना है और 20 सेट में से एक ऐसे ऑप्ट करना है, तो दो ऐसे लिख के आपको 100 मार्क्स। उसके बाद आपका था जीएस, जनरल स्टडी के तीन पेपर होते हैं जीएस के, GS1, GS2, GS3, 200 मार्क्स का ईच पेपर है, तो GS बन के हमारी कितने की, 600 मार्क्स की। अब जो GS1 है ना, GS1 वो पार्ट है जो बड़ा ही स्टैटिक है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया ना, तो ये जो इंडियन सोसाइटी हो गया, ये स्टैटिक वाला पार्ट है जो कि पेपर 1 में फॉल करता है ब्रॉडली अगर बताएं उसको। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आता है स्लाइटली करंट के साथ जुड़ा हुआ है, और कुछ कुछ पार्ट्स पोर्शन ऐसा भी जो बहुत ज्यादा करंट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारा पेपर 2 में आएगा। और जो पेपर 3 है वो काफी हद तक बड़ा डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, जैसे मानो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, दिन दिन की चेंज होती रहती है, और हमारी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सॉयल है, और इकोनॉमी है, तो ये सारा आता है पेपर 3 के अंदर। तो तीन पेपर है, 200 मार्क्स का एक पेपर है, बट साथ में क्या है कि हर एक पेपर में, चाहे पेपर 1 है, चाहे पेपर 2, चाहे पेपर 3 है, 33% आता है HPGK। तो HPGK इसमें 33% आ रहा है, तो करीब करीब एक पेपर में 70 मार्क्स का हिमाचल जीके आ रहा है। अगर 200 नंबर का पूरा पेपर है तो उसमें 70 नंबर की HPGK है। तो अगर तीनों पेपर के HPGK देखते हैं तो तीनों पेपर के करीब करीब 200 मार्क्स की HPGK बनती है तीनों पेपर में। तो अब अगर हम देखते हैं कि पूरा जीएस अगर 600 मार्क्स का है, तो हम ये बता सकते हैं कि 400 नंबर की जीएस है, टोटल जीएस है, और 200 मार्क्स की HPGK है, तो ये यहाँ पे वेटेज रहती है इसकी। और उसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आपको एक ऑप्शनल ऑप्ट करना है, जैसे मान लो किसी ने ज्योग्राफी किया, तो ज्योग्राफी के दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। तो इस तरह से हमारे पास 600 नंबर की हो गई जीएस, और 200 नंबर की हो गई ऑप्शनल, और 100 नंबर का हो गया एसए, तो टोटल हो गया 900। और बाद में जब आप यहाँ से क्वालिफाई करके जाओगे, तो क्वालिफाई करने के लिए इन 900 में से 405 नंबर तो कंपलसरी है, 45% नंबर आना जरूरी है। अगर 45% किसी के भी नहीं आए,
तो कोई भी सीट फिलअप नहीं की जाएगी, सीटें खाली चली जाएगी। तो 45% स्कोर लाना, मिनिमम स्कोर लाना सबके लिए कंपलसरी है, 405 आना जरूरी है। उसके बाद डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू कॉल के लिए करीब करीब हमारा स्कोर 435-430 के करीब करीब आना चाहिए, तो उसमें कॉल आ जाती है। तो अगर किसी का 435 स्कोर आ गया और ऊपर वाले का हो सकता है स्कोर 500 आ जाए या 550 आ जाए, है ना, तो इतना स्कोर, ये जो डिफरेंस है ये आगे फिर कहाँ पूरा करना पड़ेगा मैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में अगर इसके 435 वाले के बहुत कम नंबर लग गया है इंटरव्यू, तो मुश्किल हो जाएगा, तो बाहर होने के ज़्यादा चांसेस है। और जिसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर है रिटर्न में, तो अगर उसके कम स्कोर भी लगेगा इंटरव्यू, तो भी वो जॉब जो अपनी जो सीट है उसको सिक्योर करने में कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये मानना पड़ता है कि जो मेंस के जो मार्क्स है वो बड़े ही डिसाइडिंग है, उसमें अच्छा स्कोर आना चाहिए, जरूरी नहीं कि पॉइंट पे ही पास हो जाए। तो जो लोग मेंस में क्वालिफाई करते हैं, तो जैसे मैंने बताया प्री के लिए 20 लोग जाएंगे जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, और जो मेंस के लिए आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे मेंस के बाद, वो जाएंगे एक सीट के लिए 3 लोग। तो इसी तरह से इस बारी 29 सीट्स हैं, तो 29 × 3 तो करीब, तो 87 जो लोग हैं वो आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और उसके बाद फिर इंटरव्यू में जो फाइनली जो सिलेक्शन होगी वो 29 लोगों की होगी। तो जैसे मैंने बताया कि मिनिमम जो स्कोर लेगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर आना चाहिए इंटरव्यू में, और जिसका बहुत अच्छा स्कोर है तो ऑब्वियसली उसको भी टॉप में रहने के लिए उसको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे हम मेन्स के बाद हम बता सकते हैं, तो प्री तक स्क्रीनिंग हो गई, मेन्स वाला पार्ट आपका पूरा लिखने वाला हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, आपकी पूरी नॉलेज चेक हो रही है, और इंटरव्यू में फिर आपकी किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे अपने आप को आप प्रेजेंट करते हो इंटरव्यू में। तो इस तरह से तो टोटल नंबर ऑफ जो पेपर है हमारे पास मेंस में ये सारे रहेंगे, और बाद में हमारा एक होता है पर्सनलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू, जो कि बाद में 150 मार्क्स का है। और इसमें भी नंबर लगने के चांसेस ये होता है कि जैसे पिछले 2018 वाले पेपर में तो जो हाईएस्ट मार्क्स लगे थे 150 में से 145 नंबर, 145, जो उस साल जो टॉपर हुए थे उनके 145 मार्क्स थे। और जो मिनिमम स्कोर जो लगता है वो कई बार 39 या 40 भी लगता है ना, तो मिनिमम स्कोर 150 में से कभी 40 भी आ जाता है, और जो मैक्सिमम मैंने बताया जो आज तक का मैक्सिमम है वो है 145। तो ये स्कोर इंटरव्यू में रहता है। तो आप लोगों के पास अभी एक सफिशियंट टाइम है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जो एग्ज़ाम है शायद 3 कर महीने के बाद या 2 कर महीने के बाद हो जाए, क्योंकि अभी क्या है पहले तो 1 महीना तो आपका फॉर्म को फिलअप करने के लिए टाइम दिया गया है, उसके बाद हम ये मानते हैं शायद एनटी का पेपर पहले हो जाए नए तहसीलदार का, और फिर बीच में यूपीएससी के भी एग्ज़ाम होने हैं जो मेंस होने हैं। और तो इस तरह से ये बोल सकते हैं कि अगस्त या सितंबर में आपका प्रीलिम्स होगा, तो उतने टाइम के लिए आपके पास एक बड़ा सफिशियंट टाइम है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें वो, और खूब सारा रिविजन करें और टेस्ट सीरीज करें, है ना, एक टेस्ट सीरीज करें, 2 टेस्ट सीरीज करें अच्छे से, तो आपकी और ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। और अभी हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 8 जुलाई से, जो कि 2022-23 के लिए जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो आ सकते हैं। तो 8 जुलाई से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसमें ऑफलाइन क्लासेस होगी, हाइब्रिड क्लास होगी, जिसमें आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, और जो लाइव कोर्स भी इसमें अवेलेबल रहेगा। तो हाइब्रिड क्लास लगाते हैं हम, स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड है, और आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, और जिसको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन करेगा, जो हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है उसी को हम ऑनलाइन स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, और जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको हम ऑनलाइन वाली सारी एक्सेस दे देते हैं, और जिसमें उनको जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, और बाकी जो स्टडी मटेरियल हो गया, हमारी जो बुक्स होगी वो आपको सारी अवेलेबल रहेगी। तो 8 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, तो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है और अपनी जो सीट है बुक करा सकता है, और ताकि आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 1 हफ्ता आराम से क्लासेस लगा सकते हैं विदाउट एडमिशन लिए हुए। तो लिमिटेड सीट है, तो आप आइए और हमारे साथ जुड़ के इस एग्ज़ाम के लिए जो आपकी एक जर्नी बनती है उसको एंजॉय करें, और
उम्मीद ये करेगा कि आप सब लोगों को सक्सेस मिले। तो जो इस साल अपियर होना चाहते हैं तो आपको यही है, टाइम है अभी, अपनी तैयारी रखें बढ़िया से और खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें ताकि आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि कट ऑफ फिर पढ़ सकते, कंपटीशन अच्छा खासा इस टाइम है। और जो नए एस्पिरेंट्स हैं तो चाहे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, 14 साल जुड़ कर तैयारी करना चाहते हैं, तो हर तरीके बैच के लिए आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।